जवाब देते वक्त तमाम बड़ी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि सीएम गहलोत ने 1,00,000 सरकारी भर्तियां निकालने का ऐलान किया है। युवाओं को बड़ी सौगात दी है यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बजट पर चर्चा पर विधानसभा में पीएम मोदी को भी जमकर घेरा, तमाम बड़े बयान दिए, लेकिन बड़ी राहत भी दी। बड़ी राहत दी प्रदेश के युवाओं को, 1,00,000 भर्तियां राज्य सरकार निकालेगी, ये एक बड़ा ऐलान है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है, क्योंकि एक तरफ से तमाम बेरोजगार लामबंद हैं, बजट में उनके लिए कुछ नहीं रहा, इसको लेकर तमाम बातें वहां पर की गई, लगातार जो है आंदोलनरत हैं तमाम युवा जो है। अब ऐसे में सीएम ने युवाओं के लिए 1,00,000 भर्ती निकालने का एक बड़ा ऐलान किया है और एक बड़ी राहत दी है राजस्थान के तमाम युवाओं को। हर एक मुद्दे को समेटते नजर आए अशोक गहलोत अपने इस संबोधन में, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया, क्योंकि आज बजट पर चर्चा पर विधानसभा में जो है अब बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और करीब करीब 1.25 घंटे तक इन्होंने यहाँ पर भाषण दिया और अपने इस भाषण में तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। अब ऐसे में चाहे फ्री बिजली का मसला, उसके बारे में जानकारियां दी गई कि भाई 1 अप्रैल से ही फ्री बिजली का लाभ मिलने लगेगा और 87,000 से ज़्यादा जो है परिवारों को इसमें लाभ मिलेगा और इसके लिए बाकायदा जो है आदेश दे दिए गए बिजली कंपनियों को और 100 यूनिट तक फ्री बिजली मिलने लगी। लेकिन सबके बीच में बड़ी चीज़ ये कि युवाओं के लिए 1,00,000 सरकारी नौकरी का तोहफा यहाँ पर दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री को भी घेरा, भारतीय जनता पार्टी पर जितना ज्यादा हो सकता उतने ज्यादा हमला इन्होंने बोला, लेकिन हर एक बात का जिक्र करते हुए आरसीपी का जिक्र किया, किस तरीके से भेदभाव हो रहा है राज्य सरकार के साथ इसका भी जिक्र किया, लेकिन 1,00,000 भर्तियों, बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करते हैं। उपेन, एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, 1,00,000 सरकारी नौकरी की घोषणा किया मुख्यमंत्री ने, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी, रिएक्शन। देखो आशीष जी, जैसे ही 10 तारीख को हमें पता चला था कि भर्ती भी घोषणा नहीं की गई, उस समय से मैंने अन्न का त्याग कर रखा था, 7 दिन हो गए अन्न का त्याग नहीं किया, स्वास्थ्य में गिरावट थी और कल भी हमने शहीद स्मारक पर आंदोलन की शुरुआत की थी। अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया था कि हम घोषणा करेंगे, ये अच्छी खबर है, लेकिन मैं तो सरकार से ये मांग करूंगा कि पूर्व बजट की भर्तियों को पूरा करे और इसका कैलेंडर जारी करे कि कौन सी भर्ती की विज्ञप्ति कब जारी होगी, कब एग्जाम होगा, कब परिणाम जारी होगा, कब ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि समय कम बचा है। आपको पता है 8 से 10 महीने बचे हैं, फिर आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव आ जाएंगे, तो सरकार के सामने भी चुनौती है और सरकारों की, राजस्थान के युवा बेरोजगारों की परीक्षा है, तो सरकार इसका कैलेंडर भी जारी करे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हमारे संघर्ष को, हमारी पीड़ा को समझा, प्रदेश के युवा बेरोजगार आक्रोशित थे, दुखी थे, तो इस पीड़ा को समझा और 1,00,000 पदों पर भर्ती निकालने की घोषणा की, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के लाखों बेरोजगारों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो उत्तराखंड की तर्ज पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान का कानून लाने की हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, 25 तारीख से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती भी होने वाली है, तो हमने पेपर लीक के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, वो चिंता का विषय है, तो इसके लिए सरकार एक ठोस कदम उठाए, एक्शन ले, एक भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार भर्तियां तो खूब निकाल लिया, पूरे देश में सबसे ज्यादा भर्तियां राजस्थान में कांग्रेस सरकार में है, लेकिन यह भी सत्य है सबसे ज्यादा पेपर लीक भी राजस्थान में हुआ है, तो पेपर लीक के दंड से राजस्थान का युवा बेरोजगार परेशान है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूंगा, पेपर लीक को लेकर भी एक ठोस कदम उठाए, फर्जी डिग्री डिप्लोमा को और ये व्यापार चला इसको लेकर भी ठोस कदम उठाए, और युवा बेरोजगारों के लिए छात्र संघ आयोग बनाया जाता तो एक बेहतरीन काम होता, लेकिन फिर भी हम हताशा युवाओं को लगी थी, 10 तारीख को युवाओं को कुछ नहीं मिला था, युवा आक्रोशित था, दुखी था, हम लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, पिछले 7 दिन से मैं खुद अन्न त्याग रखा हूं, तो आज ऐसा लगा कि हाँ कहीं ना कहीं संघर्ष का परिणाम मिलता है, सरकार ने हमारी बात सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद की पात्र सरकार है, लेकिन पेपर लीक से युवाओं के सपनों को बचाना एक बड़ी चुनौती है। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने पेपर लीक माफिया घूम रहे जो अधिकतर लोग जेल से बाहर आ चुके हैं, वो पेपर लीक करने की कोशिश करेंगे, युवाओं को सपनों को बेचने की कोशिश करेंगे, तो सरकार अब उसकी तरफ ध्यान दे कि हमने भर्तियां घोषणा तो कर दी, लेकिन जो पहले बजट की पंचायत राज जैन भर्ती 2100 पदों पर, कनिष्ठ अनुदेशक दंत चिकित्सक 480 पदों पर, जलदाय 1300 पदों, वो पहले बजट की भी घोषणा सरकार उसका प्रारूप जारी करे कि हम लोग इसका भी कैलेंडर जारी करें कि पहले बजट की इन घोषणाओं को पूरा करेंगे, और इस बजट के 1,00,000 पदों पर भर्तियां अलग अलग विभागों में ये भर्तियां है, इसके ये कैलेंडर है, तो उसके भी दिशा निर्देश जारी करे जिससे युवाओं को लगे, अन्यथा ये मैसेज आएगा कई लोग
ये सोच रहे हैं ये तो चुनावी माहौल है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सरकार रैलियों में निकल जाएगी, प्रचार प्रसार में निकल जाएगी, हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सरकार ने अच्छा काम किया है, मैं तो धन्यवाद दे रहा हूँ, लेकिन कम से कम इसका कैलेंडर जारी होगा, एक प्रारूप हम जारी करेंगे, कहेंगे नहीं हम 1 लाख भर्तियां पूरी करेंगे आचार संहिता से पहले, तो बहुत अच्छा होगा, युवाओं में अच्छा मैसेज आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मैं आपको पुनः कहना चाहूंगा पेपर लीक माफिया की, तो उसके लिए सरकार को निपटना होगा और प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दीजिए। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो भर्तियां निकाली जाती है बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी आते हैं, या राजस्थान के बेरोजगारों को इन भर्तियों में प्राथमिकता दी जाए, 20-21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता। इन तमाम मांगों को लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। आप देख रहे हो कि मैं लगातार बोल रहा हूँ तो मेरी बोली भी तुतला रही है, क्योंकि मैं लगातार 7 दिन से बड़ी चीज उपेन है कि आपकी बड़ी जीत है, आपने लीड किया और लंबे समय तक आप संघर्ष करते रहे युवाओं के लिए, और आपने बजट के बाद से लगातार जो है आपने मोर्चा खोल दिया था और शायद इसीलिए बैकफुट पर जाना पड़ा, ये बड़ा घोषणा करनी पड़ी। लेकिन ये बात घोषणा की है, मैं अब आपसे हकीकत पर चर्चा करना चाहता हूं। देखिए घोषणा एक अलग चीज है, जमीन पर चीजों को उतारना इज अ डिफरेंट थिंग। अब ऐसे में आपसे मैं समझना चाहूंगा उपेन की, चूंकि चुनावी वर्ष है, हर कोई ये कह रहा है कि लोक लुभावन वादे हो रहे हैं, इस तरीके की बातें हो रही, बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की गई जिसको जो है विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ये सब जमीन पर लागू नहीं होंगी। अब ऐसे में इस माहौल में आप लोग कितने आश्वस्त हैं इस घोषणा को लेकर, आप लोग कितने श्योर हैं इस चीज को लेकर कि हाँ भाई 1 लाख का ऐलान किया है तो 1 लाख का हो जाएगा, और पिछली जो अटकी हुई भर्तियां चाहे रीट से लेकर तमाम ऐसी भर्तियां रही हैं जिसको लेकर आज तक कहां गई पता ही नहीं चला, अब ऐसे में ये पारदर्शिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और इन भर्तियों को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं, मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगा उपेन। आशीष जी, ये जो संघर्ष का परिणाम मिला है कहीं ना कहीं मीडिया आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, अपनी मजबूती से हमारा साथ दिया है, आवाज बुलंद की है, जिसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग तो वो हैं कि घोषणा कर ली जब तक भर्ती की विज्ञप्तियां जारी नहीं होगी, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, हमारा संघर्ष आपने देखा सतत देखा होगा, चाहे वो आपने उत्तर प्रदेश देखा होगा, गुजरात देखा होगा, हम लगातार वादे याद दिलाते हैं, फॉलोअप करते हैं, मंत्री हो अधिकारी हो लगातार मिलते हैं। लेकिन जब एक समय यह था 10 फरवरी को एक भी भर्ती की घोषणा नहीं की गई थी, तब हताश थे, उदास थे, हम संघर्ष कर रहे थे भर्ती की घोषणा की जाए, अब घोषणा कर दी तो हम आगे उसके लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि सरकार को पता है कि हम युवाओं को 1 लाख के आंकड़े पर उलझा लेंगे, भर्तियां नहीं निकालेंगे तो ये वोट नहीं देंगे, सरकार को पता है कि इस बार अहम भूमिका होगी तो ये करेंगे, और नहीं करेंगे तो उसका नुकसान कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं तो साफ शब्दों में कहने वाला हूं, मैं एक तरफ मैं धन्यवाद सरकार को दे रहा हूं 1 लाख पदों में भर्तियों के लिए, लेकिन जब वो भर्तियों को नहीं पूरा करेंगे और वो भर्तियों को उलझाएंगे, कैलेंडर जारी नहीं करेंगे, समय पर रोजगार नहीं देंगे, तो सबसे पहला मोर्चा भी उपेन यादव खोलेगा। जहां अच्छा होता उपेन यादव सबसे पहले सरकार को धन्यवाद देता, जहां गलत होता है अन्याय होता है धोखा था उपेन यादव सबसे पहले विरोध करता है, तो वो विरोध के मोर्चे के लिए भी हम तैयार है और काम करेंगे, तो हम धन्यवाद देने के लिए तैयार है, माला पहनाने के लिए तैयार है, जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार है। लेकिन 1 लाख भर्ती परीक्षाओं का जो भर्तियों का कैलेंडर जारी होना चाहिए और पहले की भर्ती परीक्षाएं पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये आचार संहिता के इस फेरे में भर्ती परीक्षाएं नहीं अटके, क्योंकि हालांकि अलग अलग बात है लेकिन 10 तारीख का आप उस समय देख ले कितना हालात है, गंभीर हो गए थे, लोग उदास थे, परेशान थे कि आज तो कुछ नहीं हुआ, तो अब कम से कम 1 लाख पदों में भर्ती है, तो सरकार इसको जो कहा उसमें कतनी और कनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारे गुजरात समझौता, लखनऊ समझौता, कई समझौता अधूरे हैं, कई मांग अब वार्ता होना बाकी है, वार्ता फाइनल नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी सरकार ने घोषणा की है तो हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये स्वागत तक ही ये घोषणा नहीं रही, इसको धरातल पे उतारे, इनका कैलेंडर जारी करें, और मैं ये भी मांग कर रहा हूं जो प्रमोशन हो या अलग से सरकार ये बताए कि 1 लाख भर्तियां कौन से विभाग में कौन सी भर्ती के कितने पद है, वो पदों का वर्गीकरण भी जल्द से जल्द जारी करके युवाओं को बताए, जिससे युवा तैयारियों में जुट जाए, और कहे कि हम इनकी विज्ञप्तियां इतने दिन में जारी कर देंगे और इनका एग्जाम अब होगा और इतने दिन में हम नौकरी देंगे, इसका भी एक रूपरेखा तैयार करके कैलेंडर जारी करना चाहिए, युवाओं का विश्वास जीतना चाहिए, और हम लोग केवल आंकड़े जारी कर देंगे और भर्तियां नहीं निकालेंगे तो फिर युवा समझदार है वो समझ जाएगा ये तो लॉलीपॉप है। अब राज्य सरकार को वोट लेने, युवाओं को आगे बढ़ाना है तो 1 लाख भर्तियों को पूरा करना होगा, पहले बजट की घोषणाओं को पूरा करने का, तो युवा साथ आएगा, स्वागत करेगा और रिपीट कराने में अहम भूमिका निभाएगा, और धोखा होगा तो बड़ा नुकसान कांग्रेस सरकार को होगा। ठीक है, मतलब आपका ये कहना उपेन कि पारदर्शिता होनी जरूरी है, आपने घोषणा कर दी है, दैट इज नाइस, आप लोग खुश हैं इससे, आप लोगों ने इसके बधाई भी दी है, लेकिन पारदर्शिता होनी जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है, ये लॉलीपॉप ना नजर आए, ये नजर आए कि आपने जो कहा है आप वो करेंगे, आश्वस्त कर दें आप उपेन। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हम लोग हमें किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है। एग्जैक्टली ये अच्छा काम करेंगे, हम धन्यवाद सबसे पहले ट्वीट करके मैंने 1 लाख पदों में भर्तियों का धन्यवाद दिया मैंने, लेकिन जहां भर्तियों में लापरवाही होगी, पेपर लीक होगा, युवाओं को समय पर रोजगार नहीं दिया जाएगा, तो सबसे पहले विरोध भी करने में बैठूंगा,
और चाहे वोट की चोट करनी है या कुछ भी करना हम करेंगे, लेकिन अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे, देखो एक चीज तो माननी पड़ेगी, पूरे देश में सबसे ज्यादा भर्तियां राजस्थान में ही है, इन मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में ही। तो मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता, जो सत्य होगा सत्य बोलूंगा, लेकिन पेपर लीक भी सबसे ज्यादा हुए हैं, इसलिए ज्यादा दुख है, इसलिए हम सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन कुछ पहले के बजट की घोषणाएं हैं, लखनऊ समझौता, गुजरात समझौता, मंत्रियों का समझौता, वो अधूर है, उससे हम ज्यादा प्रताड़ित है, उनके लिए संघर्ष किया है। उम्मीद है कि जैसे 1 लाख पदों पर भर्ती घोषणा की है तो सरकार बुलाएगी। जो हमने कल आंदोलन किया, लगातार मेरा 7 दिन से अन्न का त्याग था, लगातार हमारा संघर्ष जारी था, तो सरकार ने हमारा संघर्ष को जाना है, पहचाना है, संघर्ष का परिणाम दिया। तो अब उम्मीद करता हूँ कि वो समझौते भी पूरा करेंगे, युवाओं की सुनेंगे, क्योंकि युवाओं की सुने तो और मांगे पूरी करेंगे। तो यदि और मांगों को पूरा करते तो हम स्वागत करेंगे, जहां अच्छा काम होगा सबसे आगे आके स्वागत करेंगे, और जहां गलत काम होगा, पेपर लीक होगा, युवाओं के साथ गलत होगा, युवाओं के साथ धोखा होगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि मैंने अन्न का त्याग अभी नहीं किया है, अन्न का त्याग जारी रहेगा। कि आपका स्टैंड बहुत लाउड एंड क्लियर है कि आपको राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते, आपकी सीधी मांगे हैं, उन मांगों पर खरा उतरे सरकार, घोषणाओं के साथ साथ पिछली जो घोषणाएं हैं उनको भी पूरा किया जाए, ट्रांसपेरेंसी आए। बहुत शुक्रिया उपेन जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।